चार पंक्तियां हैं बस, और अधिक तो कुछ बोलना नहीं है। एक तो सवेरे का एक विषय था कि कई बार अपन क्रम देख करके बड़े छोटे का निर्णय करने लग जाते हैं, पर उसमें चूक है। उसका कारण यह है, जैसे दर्शन पावड़ की 18वीं गाथा में पहले मुनि महाराज, फिर 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक, और फिर अवरस्थित आर्यिका माता जी, ऐसा क्रम दिया है। लेकिन इसमें अपन बड़े छोटे का जब निर्णय करने बैठते हैं तो फिर प्रमाण नए और निक्षेप लगाने पड़ते हैं, चारों अनुयोगों को व्यवस्थित घटित करके निर्णय करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गाथा में ये क्रम दे दिया तो ये बड़े हैं और ये छोटे हैं और ये उससे छोटे हैं, ये क्रम योग्य नहीं है। जैसे नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र में प्रथम पद किन के लिए है और दूसरा पद सिद्ध के लिए है, तो आप ये निर्णय कर सकते हैं कि जिनका प्रथम पद है वो बड़े हैं और जिनका दूसरा पद है वो छोटे हैं। कदापि नहीं, छोटे बड़े का निर्णय एक अलग विवक्षा से किया जाता है और क्रम किसी अपेक्षा से दिया जाता है, ये बात थी। तो अब अंत में हम चार पंक्तियां सुनाते हैं, प्रस्थान की घड़ियां निकट है। इतने लंबे समय में, क्योंकि ये चतुर्मास जो था, ये वर्ष ऐसा था कि इसमें एक महीना अधिक था, डबल श्रावण थे, तो 4.5 माह से भी अधिक समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है। और वो व्याख्यान माला जो चली, नव देवता व्याख्यान माला, 6 ढाला ग्रंथ भी अपन ने पढ़ा, फिर कम पैड़ी ग्रंथ भी पढ़ा, और भी बहुत कुछ होता रहा। कई बार बाहर भी स्कूल में व्याख्यान हुए, अलग अलग सब चलती रही गतिविधियां, और कुछ प्रगति भी हुई। गतिविधि प्रगति नहीं है, प्रगति गतिविधि नहीं है, लेकिन गतिविधियों के बीच प्रगति भी हुई। कुछ लोगों ने अणुव्रत धारण किए, कुछ लोगों ने और भी भावनाएं की कि हम भविष्य में कभी ना कभी संयम मार्ग पर आना चाहते हैं तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं। कुछ लोगों ने ब्रह्मचर्य के लिए मार्गदर्शन लिया, कुछ लोगों ने और का अनुष्ठान किए, जाप आदि के, नव देवताओं की जाप। अपन नवरात्रा के समय में एक एक दिन एक एक देवता की मालाएं की, किसी ने 9 की, किसी ने 27 की, और किसी ने 108 भी की, 108 मालाएं तक की। जैसे पहले दिन नमो अरहंताण, दूसरे दिन नमो सिद्धाण, तीसरे दिन ऐसे क्रम से नमो जिण चैया लयाणम या जिण चैया लयस। तो हमने खुद भी 108 ही की थी क्योंकि हम क्या करते, तो ये सब हुआ। और अब निकलने का समय हो गया, तो चार पंक्तियां जो है वो हम बार बार बोल रहे हैं वो यही है। यद्यपि इसको हमने कभी भी म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स में नहीं दी ये पंक्ति, क्योंकि ये विदाई की पंक्ति है, क्या देना सबको, क्यों सुनाना, ये तो जहां से विदा हो रहे हैं उन्हीं को सुना देते। अटल नियम है इस दुनिया का, आने वाला जावे, जाने वाला प्राणी लेकिन फिर आवे ना आवे, जो अवसर का लाभ उठावे जीवन धन्य बनावे। कुछ चेले तो गुरु से पहले मोक्ष महापद पावे, मोक्ष महापद पावे। ऐसा जैन मार्ग है कि इसमें कौन छोटा कौन बड़ा। शिवभूति मुनि थे, वो गुरु महाराज बहुत मुश्किल से उनको सब कुछ कंठस्थ कराते थे, वो विस्मृत हो जाता था उनको। और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, आहार करके वो लौटे,
तो आहार काल में साधु मौन रहते हैं, तो मौन रहने के कारण वो जो रट रहे थे गुरु के वाक्य को वो विस्मृत हो गया। फिर जब गांव से बाहर जा रहे थे जंगल की तरफ, तो दो बहनें आपस में बात कर रही थी, किंग करोशी, तो वो बोलती है कि तुष्माश भिन्नम करोमी, तो बस उनको याद आ जाता, कह रही यही तो गुरु ने दिया था मेरे को, 6 अक्षर दिए थे, पहले 8 दिए थे पर वो मैं भूल गया, तो गुरु ने मुझे कृपा करके 6 अक्षर दिए। तो बड़ी गुरु श्रद्धा के साथ, गुरु भक्ति के साथ तुष्माश भिन्नम इसका उच्चारण करते करते वो किसी स्थान पर बैठकर ध्यानस्थ हुए, और ध्यानस्थ होने पर उनकी ऐसी स्थिति बनी, सातिशय अप्रमत्त, अपूर्व करण आदि गुणस्थानों को पार करके केवल ज्ञानी हो गए। तो गुरु नमो आयरियाणम में रह गए और चेला नमो अरिहंताणम चले गए। तो इसलिए ये जैन मार्ग है, यहाँ जो काम कर ले सो पार है। ओम नमः। जैनम जय दुशासन। ज्ञान सागर जी महाराज की जय।